ये देखो भाई, भाई बैठे हैं सारे। बाय 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 कर रहे हैं भाई। यूपी, बिहार, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके यहाँ पे बेचारे भाई अपना काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। थोड़ा और करो। अब आप सोच रहे होगे ये नीचे लगाने का क्या फायदा, सीधा भी ठोक सकते हैं जी। भाई अपनी वैन में ना थोड़ी सी दिक्कत आ गई, मतलब वैन में दिक्कत नहीं आई, जो साइड में मैं कनोपी नहीं खोलता होता, मतलब शेड सा बना के छाया में बैठने के लिए, और कल मैं भाई खोल के बैठा था और आई एकदम से अंधेरी बहुत ज्यादा वाली फुल स्पीड से, और उसने उसको तोड़ दिया भाई। नट थे बहुत बड़े वाले, उसने उसके नट ही तोड़ दिए लिटरली जी। तो कैसे हो सारे? तो आज ना मैं आपसे कुछ स्पीति के बारे में कुछ शेयर करना चाहता था, कुछ बातें। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको बता दूं, मैं अपनी वैन पर ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूं और अभी हूं मैं स्पीति में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मतलब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पूंडिया क्या होता है, पूंडिया यार पूरा इंडिया आप मेरे साथ घूम सकते हो, कट नहीं करूंगा मैं, पूंडिया ही बोलूंगा ठीक है जी। तो अभी मैं स्पीति के बारे में मैं कुछ ना बातें, मैंने लोकल लोगों से मिला ना तो कुछ अजीब सी बातें मुझे पता चली हैं भाई। यहाँ पे क्या है कि जब किसी के बच्चा होता है ना, तो फर्स्ट बच्चा होता है और जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी उसी के नाम होती है भाई, सब कुछ उसी को दे देते हैं। अगर मतलब पहला बेटा हुआ, बड़ा बेटा है ना, सब कुछ वो उसी को देंगे, जो छोटा बेटा है उसको वो कुछ भी नहीं देते, कुछ भी लिटरली मतलब बस, और उसको मॉक बना देते हैं, उसको मॉक बनना पड़ता था पहले तो मॉक बनना पड़ता था, अभी वो मॉक नहीं बनता। और जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी रूल ऐसा है कि पहले तो वो था कि बड़े बेटे की प्रॉपर्टी रहेगी जितनी भी रहेगी, चाहे वो 10 बीघा चाहे 50 है चाहे 100 बीघा है, बट अभी क्या हो गया कि वो बड़े बेटे की जो उसका बड़ा भाई है उसकी च्वाइस है, वो उसकी मर्जी है कि वो उसको प्रॉपर्टी देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर वो उसको कुछ देना चाहता है 1 बीघा या 2 बीघे तो देगा, अगर वो चाहता है कि मैंने कुछ नहीं देना छोटे को तो वो कुछ नहीं देगा भाई। तो ये देखो भी कितना गलत है ना, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, उसका थोड़ी कोई फॉल्ट है जो छोटा है ना, उसका कोई फॉल्ट तो है ही नहीं है। तो आप लोग इस चीज के बारे में क्या बोलोगे? आज भी ये चीज चल रही है, और जो बड़ा है ना बस सिर्फ वो उसकी च्वाइस है, अगर वो किसी को देना चाहे प्रॉपर्टी तो देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। तो ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि भाई अभी के युग में भी ये चीजें चल रही हैं भाई। तो इस चीज का थोड़ा सा भाई, अगर स्पीति वाले देख रहे हो तो भाई छोटे के बारे में भी थोड़ा सोचो। यहाँ पे मैं लोकल किसी से मिला था, उन्होंने बताया कि एक के पास 150 बीघा था, दूसरे को कुछ नहीं दिया उसने। तो उसको मैंने पूछा कि भाई उसका फिर करते क्या है, उसने बताया कि उसका क्या होता है कि मैंने पेट्रोल भी डलवाना है तो कहाँ लगाए, चलो यहीं लगा लेते हैं। तो उसने बताया कि जो गांव वाले हैं ना, जो जमीन बंजर पड़ी होती है, जो उपजाऊ नहीं होती, वो जमीन उस छोटे को दे देते हैं, भाई तू इसको ठीक कर ले और अगर इस पे कुछ बीज सकता है तो बीज ले। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब अभी भी चल रहा है। तो मैं अभी डलवाने आया हूँ पेट्रोल, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो काजा में है वो सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, ज्यादा पेट्रोल पंप नहीं है, और जब भी आपको टाइम लगता है तो आप पेट्रोल फुल रखें, क्योंकि काजा से मनाली तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला पूरे डे में। तो इस चीज का भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ से अभी चंद्रताल जाना है, चंद्रताल से जाएंगे आगे मनाली, तो आप पेट्रोल वगैरह यहाँ से डलवा के निकले, कभी भी स्किप मत करना। देखो इस तरह ना कुछ लाइन लग जाती है, ये देखो अभी तो कम है। अगर आप यहाँ पे काजा में आते हो ना तो आप दोपहर टाइम में यहाँ पे अपना पेट्रोल डीजल जो भी भरवाना है भरवा लो। अगर आप सोचो कि अर्ली मॉर्निंग डलवा के निकल जाएंगे तो वहाँ यहाँ से लाइन लग जाती है बहुत लंबी। अभी मेरे को भी 20 से 25 मिनट लग गए, वो वहाँ तक लाइन लग जाती है, क्योंकि सुबह हर कोई आगे निकलता है चंद्रताल के लिए, मनाली के लिए, या जिसने वापस शिमला के लिए जाना है तो हर कोई टॉप अप करवाता है, तो सुबह बहुत लंबी लाइन लग जाती है। सो आप जब भी आओ तो मिड डे में आप अगर यहाँ पे हो तो उस टाइम आपने भरवा लेना है पेट्रोल। भाई अपनी वैन में ना थोड़ी सी दिक्कत आ गई, मतलब वैन में दिक्कत नहीं आई, जो साइड में मैं कनोपी नहीं खोलता होता, मतलब शेड सा बना के छाया में बैठने के लिए, और कल मैं भाई खोल के बैठा था और आई एकदम से अंधेरी बहुत ज्यादा वाली फुल स्पीड से, और उसने उसको तोड़ दिया भाई। नट थे बहुत बड़े वाले, उसने उसके नट ही तोड़ दिए लिटरली।
तो अभी मैं काजा में यहाँ पे देखता हूँ कोई स्पेयर पार्ट की कोई शॉप मिले मुझे और वहाँ से मैं लूँगा नट। वो मेरे को लगता है सामने जो शॉप है ये काफ़ी बड़ी है, तो मे भी यहाँ से कुछ मिल जाए तो कन्फर्म करता हूँ मैं जाके अंदर एक बार। भाई उसके पास से मुझे नट नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि नारायण सिंह की दुकान है हार्डवेयर की, उसके पास मिलेंगे। तो एक शॉर्टकट सा रास्ता बताया मुझे, उधर जा रहा हूँ भाई। मार्केट के यही जाएगा रास्ता, नारायण सिंह की दुकान पे जाना है यार, मिलेगी। चलो फिर कहाँ से हो आप? हम यूपी। क्या बात करते हैं भाई, यूपी वाले भाई। हाँ तो पहुँचते हैं भाई और जाके उससे पूछता हूँ मिले तो। ये देखो भाई, साथ में आप ना काजा की गलियां देख लो, काजा की मार्केट अंदर आगे होगी तो काजा की गलियां। ये देखो भाई क्या बात है, बीच में ये भाई सब जगह पे क्या होता है कि साइड पे होती है ना, हम देखते हैं शहरों में जो पानी की निकासी की ये नालियां होती हैं, और ये है बिल्कुल बीच बीच में। ये देखो दोनों साइड से पानी आता है, ये पूरा भर जाता है। चलो आगे भाई, काजा में पानी पीने के लिए भी उधर से आना पड़ता है भाई। ये देखो भाई, भाई बैठे हैं सारे। बाय 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 कर रहे हैं भाई। यूपी बिहार नेपाल पता नहीं कहाँ कहाँ से आके यहाँ पे बेचारे भाई अपना काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। तो नारायण सिंह से अपने को नट मिल गए हैं, तो अभी क्या है कि उसको सारे को मुझे खोलना होगा, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, तो अभी मैं उसको खोलूँगा ना तो बात बनेगी नहीं, सारा इधर उधर जाता रहेगा, क्योंकि उसकी ना पत्तियाँ वगैरह भी टेढ़ी हो गई हैं, हथौड़ी वगैरह तो मेरे पास है, तो उसको ठोक के सारा कुछ सीधा करना होगा और हवा के रुकने का वेट करना होगा। तो देखता हूँ, अगर तो अभी हवा रुक गई तो अभी करूँगा, नहीं तो फिर सुबह हवा मतलब नहीं होती हवा है ना सुबह, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर उसको मैं सही कर लूँगा। तो नट मिल गई, सबसे सही बात तो ये है। तो अभी जा रहा हूँ मैं कैंपिंग साइट पर और कुछ काम धंधा कर लेते हैं भाई, एडिट उडिट कर लेते हैं आराम से, और थोड़ी भूख लगी और कुछ बना के मैं खा लेता हूँ। सो बने रहना आप वीडियो के साथ, अभी बहुत कुछ पेंडिंग है। चलो आपको इवनिंग का व्यू दिखाता हूँ अभी मैं काजा का। ये देखो भाई, यहाँ पे कैफ़े वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो जो कैफ़े पे बैठने के शौकीन हैं वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं भाई। और ये देखो शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी काफ़ी यहाँ पे, किसी ने शॉपिंग करनी है तो आओ भाई, यहाँ पे हिमाचली स्टाइल के कपड़े आप ले सकते हो। ये देखो भाई, और मैं तो अगर हर जगह ऐसे कपड़े लेने लग गया है ना, शॉपिंग करने लग गया तो गाड़ी भर जाएगी, सो मैं तो शॉपिंग नहीं करने वाला। बट आपको दिखा देता हूँ ये वाली कैप देखो, जो हिमाचली पहन के रखते हैं। ओके भैया, बैठा था भाई डॉगी। तो ये मार्केट मैंने आपको दिन में डे टाइम में भी दिखाई थी, अभी बस इवनिंग टाइम है, तो देखो डे टाइम में तो खाली सा था और अभी लोग काफ़ी हो चुके हैं। देखो स्पीति व्यूअर्स, ये देखो भाई ऐसा कुछ नज़ारा रहेगा, और वो सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे रास्ता है, और कैसे साइड मिलेगी? मिलेगी भाई, यूपी वाले भैया, यूपी वाले ने फोग जगाए, फोग जगा एक दोनों जगह नहीं, और इधर है ठेका, अच्छे से नोट कर लो भाई। और ये आ गए भाई, पार करके आ रहा हूँ। ओके तो करते हैं भाई पार्क। ये भाई मिल गया था अलबेला वाला, घूम रहा था भाई मित्र। और ये बोतलें पड़ी हैं भाई, कौन सी? पेट्रोल के लिए, पेट्रोल पे लेके जाने के लिए, और महंगा बहुत है भाई सामान यहाँ पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इतनी दूर आ रहे हैं तो फिर बजट तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके आना होगा। आपको मैं दिखाता हूँ आज, जैसे मैं कल नट वगैरह लेके आया था, तो रात हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने चेंज नहीं किया भाई कुछ, और ये सब कुछ सेट करने के लिए मेरे साथ हैं अलवेला इंजीनियर भाई साहब, और आपके इंजीनियर काम आएगी हमारे आज हथौड़ी भी है। ये देखो उस दिन भाई रात को क्या हुआ था, ये वाला ना सारा टूट के, ये वाला टूट के इधर से हवा आई घुमा उस साइड, और यहाँ पे नट होते हैं, अभी इसको दिखा खोलता हूँ मैं, तो वो सारे टूट गए, वो तगड़ा सुन रहा था यहाँ।
वो भी अच्छा है, गाड़ी पे नहीं कहीं लगा, गाड़ी पे लग जाता तो इसने ये लोहा था पूरा इसने तोड़ देना था, ऊपर से घूम के गया परली साइड सारे जितनी भी एंगल थी ये भी पर ये खड़कता नहीं है वो बिल्कुल, जैसे नट लगा दिया ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसको ये सीधा बाहर ही निकालना पड़ेगा, सारा खुला ही है अभी, सारा ही फंसा नहीं हुआ, टूटा हुआ है अभी। ये दो हैं, एक तो ये वाला, इसका और तो। हाँ हाँ ये यही लगेगा ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे लगाना है अपने, और एक लगाना ऐसे, ये वाला देखो ये इसको इसको सीधा करना है अपने पहले, इसको नीचे किसी की सपोर्ट दे, हथौड़ी ना टूट जाए, टूट सकती है कड़क का है, और वो भी ना सीधा, और थोड़ी भी तोड़ ले ऊपर से, ठोक तो ठोक लेते हैं इसको नीचे को। इसके नट कहाँ रख लिए मैंने, रात इधर रखे मेरे को याद आ रहे हैं, उठो मेरे को दिख नहीं रहे ये पड़े हैं, या वो वेल्डिंग ना टूट जाए, मुझे इस वेल्डिंग का खतरा हो रहा है पीछे वाले इसकी, जहाँ तो नीचे थोड़ी सपोर्ट दे के मैं पत्थर लगाता हूँ, आप ऊपर से इसको ठोक देना, भाई ये देख लो काम ना सारे करने पड़ते हैं, देखो हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं भाई, चलो हम दो तीन दिन पहले हम मिल गए बाय चांस, देखो ये ट्रैवलिंग की यही जिंदगी होती है, भैया के पास भी सब कुछ है, मैंने भी ये सब रखा हुआ है हमें किसी कभी भी, और ये देखो बोलते हैं हथियार सबसे अच्छा कौन सा होता है, हथियार सबसे अच्छा वो होता है जो टाइम पे काम आ जाए, अब आने दो आप इसको, थोड़ा थोड़ा और करो, अब आप सोच रहे होगे ये नीचे लगाने का क्या फायदा, सीधा भी ठोक सकते हैं ये इंजीनियर लोग, समझ सकते हैं आपके समझ से बाहर है, अगर उसको सीधा ठोकेंगे ना वो टूट सकता है उसका वेल्डिंग, ऐसे टूटेगा नहीं इसलिए लगाते हैं। मैंने नट का साइज भी नहीं चेक करा कि आ जाए, वो ये पता चल जाएगा कौन सी साइड का है, ये ज्यादा मुड़ा हुआ है फिर ये इधर का वो उस साइड का ही होगा ना, इसको तो मुड़ा रहने तो कोई चक्कर नहीं है, ये लाना इधर इसमें घुसा देंगे, ऐसा काम भाई चलते ट्रैवल में हो जाता है, अभी तक हुआ नहीं था, बट पहाड़ों की जो होती है ना हवा वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, अभी ठीक है, और जो लोग ट्रैवल करते हैं या कैंपिंग करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि शाम को 6 बजे के बाद कितनी हवा चलती है। अरे बिल्कुल पूरा आया भाई, क्या बात है, लगा सकते हैं एक बार थोड़ा ये, हाँ नहीं हाँ नहीं अंदर ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ना, ये इस साइड का ही होगा, ये देखो इसके सपोर्ट में ऐसे लगा हुआ है, पर ये हो सकता है ये नीचे ना घसा हो, क्या मेरे को ये लग रहा है, नहीं नहीं ऊपर ही ऊपर ही ऊपर नीचे नहीं, क्या पता लगता है, चलो लगा के देखते हैं, इसको ऐसे मोड़ते हो ना, हाँ मोड़ के और उसके बीच में जाएगा, हाँ रहने तो कोई नहीं उसको, देखते हो उसके ऊपर लगेगा, वो उसके ऊपर लग जाएगा, वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा, नहीं ऊपर लगाओ ना इसको, ऊपर रखते हो, अरे तो फिर अंदर नहीं फंसेगा, किसके अंदर फंसा होता, बीच वाले पोर्शन के दोनों अंदर फंसे होने चाहिए ना, नहीं नहीं ये सीधा ही टिका हुआ था, मुझे ये तो ज्यादा, ये तो पक्का ही ऊपर था, वो उसका ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसकी जो नीचे वाली डिमरी थी ना, नहीं नहीं अभी ये ऊपर रखोगे ना तो इसमें नहीं फंसेगा, फिर ये देख लेना फंसेगा नहीं फंसेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि इसका ना जो नीचे आगे से उठाना उसको थोड़ा, जो इसकी जो नीचे वाली डिमरी है ना ये गिर गई थी और ये फिर भी चल रहा था, अब ऐसा करोगे आप ना, जाएगा जाएगा टेंशन मत लो, नहीं जाएगा
अब उधर से ऊपर उठाना पड़ेगा, वो नीचे करना पड़ सकता है अपने को। अरे सुनो तो, ये हो गया, हो गया, ये देखो ना। अच्छा। वो थोड़ा सा इसको नीचे रखो, मैं बता रहा हूँ, एक बार नीचे लगा के देखो आप। ये लग के हो चुका है जी हमारा रेडी। अभी ये देखो, अब हमारी हो जाएगी छाया यहाँ पे। वैसे नहीं ये उड़ता था, वैसे तो है बहुत तकड़े वाला काम इसका। अब ऊपर थोड़े से सराख लगे हुए हैं, इसको ऐसे करके नीचे कर लो, फिर पता दिख जाएगा आप। देखे ओ, ये उल्टा लग गया। नहीं नहीं, सराख नीचे रह गई। हो गया काम भाई। सराख नीचे वाली साइड रह गई। ये फिर ये कैसे लगा उल्टा? पलट जाएगा, पलट जाएगा, पलट घूम के ऐसे लगेगा ना दूसरी साइड। इसको निकालूं? अच्छा हुआ चेक। हाँ ये देखो हमारे फौजी कलर का लगा रखा हमने। ये दोबारा खोले। एक चीज और बोलना चाहूंगा भी, जब ट्रैवल बंदा सोलो करता है ना, उसको इन चीजों का पता होना चाहिए, थोड़ी बेसिक जानकारी हर चीज की होनी चाहिए बंदे को, फिर ही वो कर पाएगा, नहीं तो बंदा नहीं कर पाता। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई, बंदे को पंचर लगाना हो गया, ये सोलो ट्रैवलिंग में तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज सब कुछ पता। अगर नहीं है तो कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोर्स कर लो, वो एक्सपीरियंस लेके बंदे को निकलना चाहिए, नहीं तो भाई हाँ आती है। अब देखो मेरे को पता था कितने नंबर नट है, कितना मुझे लंबा चाहिए, कैसा चाहिए, मैंने साथ के साथ लिया और 15 रुपए के आए सिर्फ, और यहाँ पे मारा थोड़ा अपने सही कर लिया। अगर जिसको नहीं पता वो तो देखते भाई शर्ट टूट गया। नहीं बदलना आता भाई, ये सब चीजें बहुत आनी चाहिए भाई, बहुत। हाँ बेसिक चीज का पता होना चाहिए। मैं था वहाँ पे ना मोरनी हिल्स, चंडीगढ़ के पास में है, वहाँ पे एक कोई एक्सपीरियंस ही बता रहा था बंदा, कोई वहाँ का लोकल, बोलता किसी की गाड़ी पंचर होगी, वो बंदा 1000 रुपये तक देने का तैयार था कि मेरी स्टपनी चेंज कर दो, जस्ट स्टपनी चेंज कर दो, 1000 रुपया दे रहा था वो। मैं यार हद होगी, तो वो कर ही नहीं सकते जी, कभी नहीं कर सकते। सेकंड वाले पे डाल दो, जिसमें भी डलता डाल दो, कोई चक्कर नहीं। लो जी अब हम यहाँ पे बैठेंगे और बढ़िया सा बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट, पोहा चलेगा आज हमारा। और भाई ने सुबह एक स्मूदी बनाई, क्या स्मूदी थी भाई, उसकी रेसिपी बताओ ना। अच्छा वो जो स्मूदी थी वो मैं हर दिन सुबह सुबह बनाता हूँ, तो उसमें क्या रहता है ना, उसमें सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स डाल लेता हूँ सारे के सारे, उसके अंदर मैं भुने हुए ओट्स भी डाल लेता हूँ, भुनी हुई पीनट्स भी डाल लेता हूँ, और 2 केले डाल लेता हूँ, तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिलेगा उसको। और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग में, बहुत ईजी है। कितनी मिनट लगी? 2 मिनट लगी, 2 मिनट में, 2 मिनट में बन गया, तैयार आ जाएगी। और वो हमेशा मैं सुबह सुबह ट्राई करता हूँ, इनको भी बोलूंगा कि ये भी सुबह सुबह उसको पिए हमेशा, बहुत हेल्दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको एक भर के ग्लास पी लिए दोपहर तक कोई जरूरत नहीं है, लगेगी ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए। तो ठीक है जी, अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह बना लें, अब हम खुद के लिए थोड़ा टाइम रखेंगे, अब हम कुछ शूट नहीं करने वाले यार, खुद के लिए टाइम नहीं बचता, और बढ़िया सॉन्ग वगैरह लगा के तो बढ़िया बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना के करते हैं। फिर आपको एक से नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही अच्छे वाली लोकेशन और काजा के अच्छे अच्छे पॉइंट दिखाने वाले हैं, बस आप देखते रहना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, जुड़े रहना, जुड़े रहना भाई के साथ, मेरे साथ, बाय बाय।